सब जगह जहाँ जावे वहाँ मोदी मोदी की धूम मचे, नारे मोदी के ही लगे, हम भी मोदी के ही साथ है। अच्छा, क्या ऐसा वजह है, क्या है कि जहाँ जाते हैं मोदी मोदी का नारा लगता है, हालांकि राहुल गांधी भी जाते हैं लेकिन ऐसा माहौल क्यों नहीं होता? भैया वो काम बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी की पार्टी है ही ना सामने, कोई नहीं बोल रहे एकदम बिल्कुल पक्का, और कोई पार्टी है ही ना जो इनका मुकाबला कर सके। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तो एक ही है। मेरा नाम है शमीम। शमीम जी, जी क्या करते हैं? मेरी लस्सी की दुकान है, मामा लस्सी वाला। अच्छा, मामा लस्सी वाला। हाँ जी, सुना है एक दो बार यहाँ पे, हाँ फेमस हुआ। हाँ हाँ, ये बताओ कि भारत में आपके इन दिल्ली में विश्व भर के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं, G20 का सम्मेलन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं भाई, हमारे भारत के सारे देशों से ताल्लुकात बढ़िया हैं, और इससे बढ़िया क्या बात होगी, मोदी जी ने तो हवा कर दी, हिंदुस्तान की पूजा हो रही सब जगह। हाँ, हवा कर दी, बढ़िया हवा बन गई मोदी जी की। अब बन गई, पहले से थी? पहले से भी थी यार, फिर बन गई और बन गई, ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई। कैसे कैसे, सारे सारे देशों में बात है मोदी जी हो रहे हैं भाई, 200 देश के आदमी आए हुए हैं यहाँ, जय जयकार हो रही हमारी, तो नाम हो रहा हिंदुस्तान का, नाम हो रहा है। और वाह भाई वाह, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है? बुरा लगने तो जिन्हें लग रहा है उनकी छोटी अकल होगी, मेरी तो अकल बड़ी है। आप खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, समझे भैया, बहुत खुश हूँ मैं तो, बहुत रुपया, कितना रुपया खर्च करा उन पे, मेहमानों पे, आने वालों पे। और बात ये, जो मुसलमान थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और भी और बहुत से स्टॉल लग रहे हैं, और बहुत से स्टॉल लग रहे हैं, दुनिया भर के हर सूबे का स्टॉल लगा हुआ है, और वो सब देख देख के खुश हो रहे हैं हमारे यहाँ की चीज़ें। एक मुरादाबाद के मौलाना आए हुए हैं, वो लोटा लाए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ले गए इस लोटे को बाहर, उस लोटे की भी हवा हो गई, लोटे की भी हवा हो गई। अच्छा, मतलब सही हो रहा है जी, बढ़िया तरक्की हो रहा है जी, और कैसे होगी तरक्की भाई, भाई और कैसे होगी भाई तरक्की। हाँ, क्या मन का, इतने अच्छे दिन आए, भूलेगा ही नहीं आदमी, बहुत बढ़िया दिन है। कैसा अच्छे दिन? अच्छे, और इससे अच्छे क्या होंगे। खुश हो आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो क्या लग रहा है G20 से तो खुश हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार से? बहुत बढ़िया है जी, क्या कह रहे हैं, 9 सालों में बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ क्यों ना, सब कुछ बढ़िया हो रहा। अच्छा, किस चीज़ की कमी है बताओ? कांग्रेस वाले खुश नहीं है, पढ़े ना हो खुश, ये तो अपोजिट अगर ना होगा तो फिर हुकूमत बेकार है। अच्छा, हुकूमत के लिए अपोजिट का होना भी जरूरी है। अपोजिट में कौन रहेगा, कांग्रेस ही रहेगा, और कोई पार्टी है ही ना इसके अलावा। नहीं, इस बार कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार विपक्ष में बीजेपी को बैठाएंगे, मोदी को बैठाएंगे। ना ना, ऐसा ना होने का, तुम देख लियो सब जगह मोदी मोदी होंगे, सब मोदी मोदी है, सब जगह जहाँ जावे वहाँ मोदी मोदी की धूम मचे, नारे मोदी के ही लगे, हम भी मोदी के ही साथ है। अच्छा, हाँ? क्या ऐसा वजह है, क्या है कि जहाँ जाते हैं मोदी मोदी का नारा लगता है, हालांकि राहुल गांधी भी जाते हैं लेकिन ऐसा माहौल क्यों नहीं होता? भैया वो काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी की, तो जय जय यूँ हो रही। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं वो, सबका साथ सबका विकास, और क्या चाहिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका हो रहा, और क्या हो रहा। आप लोग को साथ में लेके चल रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमारे साथ में क्या जुलम हो रहा, हमारे साथ में तो ठीक हो रहा है सब कुछ। राहुल गांधी जी बोलते हैं जुलम हो रही है, कहने दो उन्हें, उन्हें कहने दो, क्यों बोलते हैं ऐसा? बच्चे, उन्हें तजर्बा ना जिंदगी में, बच्चे बच्चे ही हैं अभी, 53 साल के हैं, 53 साल के भले ही हो, बच्चा है कोई, शादी हुई कोई, क्यों भैया? अच्छा, बच्चे ही हैं अभी तो, आदमी तो बड़ा बुड्ढा जब हो, जब बहू आ जाए, जब वो 70 रंग के रूप दिखावे, जब आवे समझ में बात, उन्हें ना पता कुछ भी क्या हो गया। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद बोलते हैं कि बहुत मैच्योर हो गए हैं वो, मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत दम ढल चुके हैं, ना ऐसी को मेरी समझ में ना आ रही क्या। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया था, हाँ। उसके बाद से बोलते हैं बहुत उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, समझदार हो गए, कुछ ना समझदारी, कुछ ना, सब रिल जाएंगे, देख लो जब इलेक्शन होंगे ना, मोदी मोदी होंगे, मोदी मोदी होगा। 24 में क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत होगी? आवेंगे मोदी जी, जीतेंगे, और कोई पार्टी है ही ना सामने, कोई नहीं बोल रहे एकदम बिल्कुल पक्का, और कोई पार्टी है ही ना जो इनका मुकाबला कर सके। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तो एक ही है, इनसे क्या हो, राज्य वाली से क्या हो, क्या कर लेगा अखिलेश, वो मायावती को कोई जाने, अभी अब जाने हैं कोई, गायब हो गई है, सब गायब हो गए, सब गायब हो, भी गायब हो जाएंगे, बिल्कुल सब गायब हो जाएंगे, तुम देख लीजिए, मोदी ही मोदी रहेंगे बस। दबाव में बोल रहे हो कि ऐसे ही अपने मन से बोल? हाँ, मेरे ऊपर दबाव, तुमने डंडा ले रखा क्या? दबाव वाव कुछ ना भैया, इनकी लहर है, इनकी लहर है, काम सही कर रहे हैं। ये बताओ कैसे लहर है, 9 साल हो चुका, कोई सब हर कोई ये कहता है कि लगातार 3 बार किसी की लहर वहर नहीं होती इस भैया, जब ये सबका साथ और सबका विकास कर रहा है तो लहर इनकी होनी। क्या विकास कर दिया ऐसा? सब कुछ हो रहा, क्या ना हो रहा बताओ, क्या महंगाई, बेरोजगारी, यो तो चलता रहता है जिंदगी में, कोई सारा सारी जिंदगी एक सही काम चले क्या?
हल्का मतदा तो चलता ही रहा है, कौन भूखा मर गया। अच्छा देखो बहुत लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं साइड में, देख रहे हो कम से कम 50 लोग खड़े हैं, सब आपको सुन रहे हैं। सारा भाड़ा सुनेगा जब तुम इसे टीवी पे डालोगे, सारा भाड़ा सुनेगा, मैं जानता ना। करोड़ों लोग सुनेंगे। 70 साल की उम्र है मेरी। 70 साल की उम्र है? हाँ जी। 70 साल की उम्र में आपने बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी। देख ली, क्यों ना देख देख। सबसे बेहतर कौन सी लगी? सबसे बेहतर यही है, सबसे बेहतर यही है। कांग्रेस ने राज किया इतना 70 सालों में, बोल रहे मोदी ने बर्बाद कर दिया। तो भैया क्यों चले गए वे, वे क्यों चले गए मुझे बताओ। बोलते मोदी ने जुमला दे देकर उनको भगा दिया, हटा दिया। ना ना ऐसी कोई बात ना, कुछ मोदी के हाथ में कोई बंदूक थोड़ी थी। हाँ। ये तो पब्लिक के हाथ में वोट डालना, तो अच्छा पब्लिक को जो अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। अच्छा भाई जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। अभी तक वही अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं खाली। मोदी बढ़िया है भाई। हाँ। मोदी जी बढ़िया है।